हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परफेक्ट मोबाइल सॉल्यूशन पर। दोस्तों मेरे पास ये जो हैंडसेट है वीवो ब्रांड का है, आप देख सकते हैं बैक साइड में नीचे की तरफ वीवो की ब्रांडिंग है और मॉडल नंबर आपको बता देता हूं, मॉडल नंबर है वीवो Y35। ध्यान से सुन लीजिए, मॉडल नंबर है वीवो Y35। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं वीवो Y35 का FRP बाईपास करने का तरीका, यानी कि डिवाइस का गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का सबसे इजी और बिल्कुल लेटेस्ट तरीका। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर आपकी डिवाइस FRP लॉक है यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है, तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में विदाउट PC विदाउट लैपटॉप आप अपने वीवो Y35 का FRP यानी कि गूगल अकाउंट बाईपास कर पाएंगे। अब दोस्तों आपकी डिवाइस FRP लॉक है ये कैसे कंफर्म होगा, तो इसका एक छोटा सा ट्रिक इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर देता हूं। आप ऊपर की तरफ कोने में ध्यान देंगे तो आपको एक छोटा सा लॉकर शो करेगा, तो अगर आपकी डिवाइस में इस टाइप का लॉकर शो कर रहा है तो इसका मतलब आपकी डिवाइस FRP लॉक है। अगर आपकी डिवाइस में इस टाइप का लॉकर नहीं शो कर रहा है तो इसका मतलब आपकी डिवाइस FRP लॉक नहीं है। लेकिन चलिए मैं आपको पूरी तरह कंफर्म कर देता हूं कि मेरे पास ये जो डिवाइस है वीवो Y35 ये पूरी तरह से FRP लॉक है यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, नीचे से सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहां से वंस अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहां देखिए हम आ चुके हैं कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे। नीचे की तरफ देख सकते हैं नेक्स्ट का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमें करना क्या होगा, हमें अपने डिवाइस को सबसे पहले किसी वाईफाई से कनेक्ट करना होगा क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है। तो यहां से मैं जल्दी से अपने डिवाइस को किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूं। डिवाइस हमारी कनेक्ट हो गई दोस्तों, ऊपर की तरफ देख सकते हैं वाईफाई का सिंबल शो कर रहा है। अब कुछ सेकंड वेट करिए, आपको पूरी तरह कंफर्म हो जाएगा कि मेरे पास ये जो डिवाइस है वीवो Y35 ये पूरी तरह से FRP लॉक है यानी कि गूगल अकाउंट लॉक है। और ये देखिए, ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है जब आपकी डिवाइस FRP लॉक होती है यानी कि गूगल अकाउंट लॉक होती है। यहां पे ध्यान दीजिए, डिवाइस का FRP बाईपास करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन वेरीफाई पैटर्न, यानी कि आपको ये पैटर्न वेरीफाई करना होगा। अगर आपको ये पैटर्न पता है तो सिंपल आप ये पैटर्न ड्रॉ करें, अगर आपने सही पैटर्न ड्रॉ किया तो डिवाइस आपकी बहुत आसानी से अनलॉक हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पैटर्न है पैटर्न हमको नहीं पता है। एक चीज और ध्यान दें, यहां पे वेरीफाई पैटर्न का ऑप्शन है ना, तो यहां पे वेरीफाई पिन या पासवर्ड का भी ऑप्शन हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने डिवाइस में सिक्योरिटी के तौर पे क्या डाल रखा है। चूंकि पैटर्न का ऑप्शन है और पैटर्न हमें नहीं पता है, तो अब हम करेंगे क्या, अब हम सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल नीचे की तरफ देखिए लिखा है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टीड, मैं सिंपल इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। अब कुछ सेकंड वेट करिए, यहां पे लिख के आएगा वेरीफाई योर अकाउंट। ये देखिए फाइनली वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन आ गया। तो अब तो कंफर्म हो गया ना कि डिवाइस हमारी FRP लॉक है। तो यहां पे दोस्तों अगर आपको इसी डिवाइस का गूगल अकाउंट मालूम है तो सिंपल ईमेल आर फोन में एंटर करें, नीचे से नेक्स्ट कर दें। अगर आप सही गूगल अकाउंट एंटर करेंगे तो डिवाइस आपकी बहुत आसानी से अनलॉक हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिवाइस का गूगल अकाउंट भी हमको नहीं पता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया ना आपको किसी लैपटॉप PC की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर बैठे बैठे मेरे इस वीडियो को देखकर आप अपने वीवो Y35 का FRP यानी कि गूगल अकाउंट बाईपास कर पाएंगे। तो अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, इस डिवाइस का टॉक बैक ऑन करना होगा। तो टॉक बैक कैसे ऑन होता है, बहुत सिंपल है। ये जो अप डाउन बटन देख रहे हैं ना, आपको करना क्या, वॉल्यूम अप डाउन इन दोनों बटन को कुछ देर तक प्रेस करके रखना है तो आपके डिस्प्ले पे टॉक बैक का नोटिफिकेशन शो करेगा। तो ये देखिए मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल वॉल्यूम अप डाउन इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखता हूं। अभी देखिएगा टॉक बैक का नोटिफिकेशन डिस्प्ले पे शो करेगा। ये देखिए दोस्तों फाइनली टॉक बैक का नोटिफिकेशन शो कर दिया, आपको सिंपल टर्न ऑन पे क्लिक कर देना है। ओके, अब देखिए अभी भी आपके डिवाइस का टॉक बैक ओपन नहीं हुआ है, ऑन नहीं हुआ है। आपको करना क्या होगा, फिर से वॉल्यूम अप डाउन इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो फाइनली आपके डिवाइस का टॉक बैक पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम अप डाउन इन दोनों बटन को मैं फिर से एक साथ प्रेस करके रखता हूं। ये देखिए दोस्तों फाइनली हमारे डिवाइस का टॉक बैक ऑन हो गया। ऊपर की तरफ देख सकते हैं लिख के आ रहा वेलकम टू टॉक बैक, यानी कि टॉक बैक ऑन हो गया। एक चीज ध्यान दें, जब आपके डिवाइस का टॉक बैक ऑन हो जाएगा तो आपका टच प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। कहने का मतलब यह है कि पहले आप कहीं भी एक बार क्लिक करते थे तो आपका टच वर्क करता था, अब चूंकि टॉक बैक ऑन हो चुका है इसलिए कहीं भी आपको डबल क्लिक करना होगा तब जाके आपका टच वर्क करेगा। तो टॉक बैक ऑन हो गया, अब आगे देखिए आपको करना क्या है। अब दोस्तों डिस्प्ले पे आपको उल्टा एल ड्रॉ करना है, पिक्चर आप देख सकते हैं।
बिल्कुल सेम तरीका से आप यहां डिस्प्ले पे उल्टा एल ड्रॉ करें। जैसे ही उल्टा एल ड्रॉ करेंगे तो आपके सामने ये परमिशन आ जाएगा। आपको करना क्या, इस परमिशन को अलाउ करना है। तो अलाउ करने के लिए व्हाइल यूजिंग टैब इस पे आप डबल क्लिक करेंगे। तो यहां पे मैं डबल क्लिक करता हूं। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो एक न्यू इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। आपको करना क्या है, नीचे की तरफ यूज वॉयस कमांड का ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन पे सिर्फ और सिर्फ एक बार क्लिक करना है। तो आप इस पे एक बार क्लिक करिए। अब आगे देखिए आपको करना क्या है। अब दोस्तों ये जो एरिया है, इस एरिया में आपको डबल क्लिक करना है और बोलना है गूगल असिस्टेंट। तो इससे क्या होगा, आपके डिवाइस में गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। मैं सिंपल डबल क्लिक करूंगा और बोलूंगा गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, और ये देखिए दोस्तों गूगल असिस्टेंट ओपन हो गया। ये कीबोर्ड दिख रहा है ना, आपको करना क्या, इस कीबोर्ड पे लगातार दो बार क्लिक करना है। जैसे ही दो बार क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए आपको करना क्या है। अब यहां पे दोस्तों आपको डिवाइस का टॉकबैक पूरी तरह से ऑफ कर देना है। तो ऑफ कैसे होगा, बहुत सिंपल है, जैसे आपने ऑन किया था सेम तरीका से ऑफ होगा। यानी कि वॉल्यूम अप डाउन इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखिए तो आपके डिवाइस का टॉकबैक ऑफ हो जाएगा। तो ये देखिए मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम अप डाउन इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखता हूं और ये देखिए दोस्तों नीचे की तरफ मैसेज आ गया टॉक बैक टर्न ऑफ, यानी कि अब हमारे डिवाइस का टॉक बैक पूरी तरह से ऑफ हो गया। ओके, तो टॉक बैक ऑफ हो गया, इसका मतलब अब आपका टच प्रॉपर पहले की तरह वर्क करेगा। अब देखिए आपको करना क्या है, यहां पे लिखा ट्राई टाइपिंग, यहां पे आप सिंपल टाइप कर दें ओपन। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं तो बिल्कुल सेम टाइप करिएगा। मैंने ओपन टाइप किया, जैसे ही ओपन टाइप करेंगे तो ऊपर की तरफ ओपन यूट्यूब का ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपल इस पे क्लिक करें। अभी देखिएगा दोस्तों आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं YouTube का एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब आगे देखिए आपको करना क्या है, ऊपर की तरफ देखिए दोस्तों अकाउंट का ऑप्शन है, आप सिंपल अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद आपको क्लिक करना है दोस्तों सेटिंग्स पे, उसके बाद आपको क्लिक करना है दोस्तों अबाउट पे, और अबाउट के बाद आपको क्लिक करना है यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विसेज पे। जैसे ही यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये देखिए वेलकम टू क्रोम, क्रोम ब्राउजर ओपन हो गया। आपको इसे सेटअप कर लेना है, तो यहां एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए, नीचे से नो थैंक्स करिए और ये देखिए आपका ब्राउजर पूरी तरह से सेट हो गया, ओपन हो गया। अब ऊपर का जो एरिया, इसे बोलते हैं एड्रेस बॉक्स, आप एड्रेस बॉक्स पे क्लिक करें। यहां पे आपको सिंपल टाइप करना है वी एन रोम। डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं तो बिल्कुल सेम टाइप करिएगा। तो यहां पे मैंने टाइप किया वी एन रोम आपको टाइप करना, ठीक है, वी एन रोम मैंने टाइप किया। उसके बाद यहां से एंटर कर दें। जैसे ही वी एन रोम टाइप करके आप एंटर करेंगे तो ये सर्च रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको क्लिक करना है दोस्तों बाईपास गूगल अकाउंट 2022 पे, बिल्कुल ऊपर की तरफ आप इस पे क्लिक करें तो आप देखेंगे आपके डिवाइस में वी एन रोम की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए वी एन रोम, इसकी मेन वेबसाइट ओपन हो गई। अब नीचे की तरफ देखिए दोस्तों तो बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या, बिल्कुल ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ तीसरे नंबर पे एक एप्लीकेशन आपको मिलता है ओपन सेटिंग, आप इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी डिवाइस की मेन सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये देखिए डिवाइस की मेन सेटिंग यहां पे ओपन हो गई। ओके, तो डिवाइस की मेन सेटिंग ओपन हो गई। आप बिल्कुल नीचे चले आए, नीचे आएंगे तो यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सिस्टम का, आप सिस्टम पे क्लिक करें। सिस्टम के बाद आप फिर से बिल्कुल नीचे आए तो यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रीसेट ऑप्शंस का, आप इस पे क्लिक करें। रीसेट ऑप्शंस के बाद आपको क्लिक करना है थर्ड नंबर पे, यानी कि रीसेट ऑल सेटिंग्स पे, आप इस पे क्लिक करें। रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको ब्लू कलर का मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग्स, आप इस पे क्लिक करें। सेम ऑप्शन फिर से आ गया, ठीक है, तो लास्ट में एक बार और इस पे आप क्लिक कर दें। ये देखिए रिस्टोरिंग, यहां पे होगा क्या दोस्तों, आपके डिवाइस का सिस्टम सेटिंग रिस्टोर होगा और जैसे ही रिस्टोरिंग कंप्लीट होगा आप देखेंगे आपकी डिवाइस रिबूट हो जाएगी। आपने देखा रिस्टोरिंग कंप्लीट हुआ, डिवाइस रिबूट हो गई। अभी देखिएगा यहां पे रीसेटिंग सेटिंग का प्रोसेस होगा और जैसे ही रीसेटिंग सेटिंग कंप्लीट होगा फिर से आपकी डिवाइस रिबूट हो जाएगी। तो अभी यहां पे आपको नियर अबाउट 40 से 45 सेकंड वेट करना होगा। ये देखिए रिस्टोरिंग सेटिंग, ठीक है, अब डिवाइस फिर से हमारी रिबूट हो गई। ओके, और अब आप 40 से 45 सेकंड वेट करिए, आपकी डिवाइस रिबूट होकर बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं वीवो Y35 का FRP बाईपास करने का तरीका, यानी कि डिवाइस का गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का सबसे इजी और बिल्कुल लेटेस्ट तरीका। मेरी इस वीडियो को देखकर घर बैठे बैठे बिल्कुल फ्री में आप अपने वीवो Y35 का FRP बाईपास कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस की कंटिन्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्दी से आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। और ये देखिए दोस्तों, 40 से 45 सेकंड वेट करने के बाद डिवाइस हमारी रिबूट होकर बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां ऊपर की तरफ देखिए अभी भी लॉकर शो कर रहा है, इसका मतलब अभी भी डिवाइस हमारी FRP लॉक है। अभी देखिए आपको करना क्या है, डिवाइस का सिस्टम सेटिंग आपने रिस्टोर कर दिया तो इससे क्या होता है, डिवाइस का वाईफाई कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अभी आपको करना क्या होगा, डिवाइस को फिर से वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। तो चलिए वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, वंस अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कनेक्ट टू वाईफाई वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो यहां पे हम करेंगे क्या, डिवाइस को फिर से वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमने डिवाइस का सिस्टम सेटिंग रिस्टोर किया था, तो इससे क्या होता है, डिवाइस का वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके, डिवाइस कनेक्ट हो गई, ऊपर की तरफ देख सकते हैं वाईफाई का सिंबल शो कर रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब यहां से बिल्कुल नॉन स्टॉप आप बैक चले आए होम स्क्रीन पे। ओके, हम आ गए होम स्क्रीन पे। अब देखिए आपको करना क्या, अब फिर से आपको डिवाइस का टॉक बैक ऑन करना है पिछली बार की तरह, ठीक है। तो हम टॉक बैक ऑन करते हैं। टॉक बैक ऑन करने के लिए आपको सिंपल वॉल्यूम अप डाउन इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखना होगा। अभी देखिएगा इन दोनों बटन को मैंने प्रेस किया, टॉक बैक का नोटिफिकेशन शो करेगा। ये देखिए टॉक बैक का नोटिफिकेशन शो कर दिया, आपको सिंपल टर्न ऑन पे क्लिक करना है। टर्न ऑन पे क्लिक करिए, अभी भी आपके डिवाइस का टॉक बैक ऑन नहीं हुआ तो फिर से करना क्या होगा, फिर से वॉल्यूम अप डाउन को प्रेस करना होगा। तो ये देखिए मैं क्या करता हूं, फिर से वॉल्यूम अप डाउन को मैं एक साथ प्रेस करता हूं, और ये लीजिए दोस्तों फाइनली हमारे डिवाइस का टॉक बैक पूरी तरह से ऑन हो गया, ठीक है। ऑन होने के बाद यहां पे परमिशन आएगा, परमिशन को आपको अलाउ करना है, तो आप अलाउ पे सिंपल यहां पे डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए वेलकम टू टॉकबैक, टॉकबैक पूरी तरह से ऑन हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, पिछली बार की तरह आपको यहां पे उल्टा एल ड्रॉ करना है। डिस्प्ले पे पिक्चर आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल सेम तरीका से मैं यहां पे उल्टा एल ड्रॉ करूंगा। जैसे ही उल्टा एल ड्रॉ करेंगे तो ये इंटरफेस आपको शो करेगा। आपको याद होगा आपने क्लिक किया था यूज वॉइस कमांड पे एक बार, तो आप इस पे एक बार क्लिक करें। ओके, उसके बाद सेम आपको करना है, ये जो एरिया है इस एरिया में आपको डबल क्लिक करना है और बोलना है गूगल असिस्टेंट, तो आपके डिवाइस में गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा। तो मैं यहां पे डबल क्लिक करता हूं और बोलूंगा गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट। ये लीजिए गूगल असिस्टेंट ओपन हो गया। नीचे की तरफ आपको ये कीबोर्ड दिखता है, आपको सिंपल इस कीबोर्ड पे पिछली बार की तरह डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपको शो करेगा। अब दोस्तों आपको याद होगा यहां पे आपने डिवाइस का टॉक बैक ऑफ किया था, तो आपको करना क्या है, टॉक बैक ऑफ कर देना है। तो ऑफ करने के लिए मैंने बता ही दिया, आपको सिंपल वॉल्यूम अप डाउन इन दोनों बटन को लगातार प्रेस करके रखना होगा। तो ये देखिए मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम अप डाउन इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करके रखता हूं, और ये देखिए टॉक बैक टर्न ऑफ का मैसेज आ गया, यानी कि अब हमारे डिवाइस का टॉक बैक पूरी तरह से ऑफ हो गया। ओके, अब उसके बाद दोस्तों आपको याद होगा आपने यहां पे टाइप किया था ओपन, तो आपको बिल्कुल यहां पे सेम ओपन ही टाइप करना, ठीक है। तो मैंने ओपन टाइप किया, ओपन टाइप करते ही ऊपर की तरफ ओपन यूट्यूब का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, आपके डिवाइस में बाय डिफॉल्ट यूट्यूब का एप्लीकेशन फिर से ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, अब ऊपर की तरफ अकाउंट का ऑप्शन है, आप अकाउंट पे क्लिक करें। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग्स पे, सेटिंग्स के बाद आपको क्लिक करना है दोस्तों अबाउट पे, और फाइनली आपको क्लिक करना है यूट्यूब टर्म ऑफ सर्विसेज पे। तो इससे क्या होगा, आपके डिवाइस में ब्राउजर ओपन हो जाएगा। ये देखिए फाइनली ब्राउजर ओपन हो गया। अब आगे देखिए आपको करना क्या है, अब सेम तरीका से दोस्तों आपको एड्रेस बॉक्स पे क्लिक करना है, और आपको याद होगा यहां पे आपने टाइप किया था VN ROM, तो आपको सेम टाइप करना है। तो यहां पे मैं सिंपल टाइप कर देता हूं VN ROM। ओके, उसके बाद नीचे से एंटर कर दूंगा। बिल्कुल पिछली बार की तरह सेम इंटरफेस आपको शो कर रहा है। आपको करना क्या, बाईपास गूगल अकाउंट 2022 पे क्लिक करना है, तो आपके डिवाइस में VN ROM की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए VN ROM की मेन वेबसाइट ओपन हो गई। अब नीचे आइए, नीचे आएंगे दोस्तों तो आपको करना क्या, यहां पे चौथे नंबर पे एक एप्लीकेशन मिलता है ओपन स्क्रीन स्मार्ट लॉक, आप इस पे क्लिक करें। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्रोटेक्ट योर फोन का ऑप्शन आपके डिवाइस में ओपन हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां से बहुत आसानी से आप अपने डिवाइस में पैटर्न, पिन या पासवर्ड सेट कर सकते हैं, आपकी जो भी मर्जी हो, आप चाहे तो पैटर्न, पिन या पासवर्ड। ओके, चलिए मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल यहां से पैटर्न वाला ऑप्शन चूज करता हूं। तो मैं सिंपल पैटर्न पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैंने पैटर्न पे क्लिक किया तो सेट ए पैटर्न का ऑप्शन आ गया। यहां पर लिखा ड्रा एंड अनलॉक पैटर्न, तो आपको करना क्या, अपने मर्जी का कोई भी पैटर्न यहां पर ड्रॉ करना है। तो चलिए मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल ये पैटर्न ड्रॉ करता हूं। ओके, उसके बाद नीचे से नेक्स्ट करूंगा। यहां पे देखिए ड्रा पैटर्न अगेन टू कंफर्म, यानी कि कंफर्मेशन के लिए सेम पैटर्न फिर से ड्रॉ करिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं फिर से सेम पैटर्न ड्रॉ करता हूं। ओके, उसके बाद नीचे से कंफर्म पे क्लिक करूंगा।
यहां से यस आई एम इन इस पे क्लिक करूंगा और उसके बाद फाइनली गॉट इट पे क्लिक कर दूंगा। ओके तो अब देखिए दोस्तों, अब आपके डिवाइस में पैटर्न लॉक एक्टिव हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। अब आपको करना क्या, यहां से आपको बिल्कुल बैक चले जाना होम स्क्रीन पे। तो यहां से आप बिल्कुल नॉन स्टॉप, आप यहां से बिल्कुल बैक चले आए, आपको बिल्कुल बैक चले आना होम स्क्रीन पे। ये देखिए हम होम स्क्रीन पे आ गए। अभी भी दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए छोटा सा लॉकर शो कर रहा है, इसका मतलब अभी भी डिवाइस हमारी एफआरपी लॉक है। अब चलिए सेटअप करते हैं। तो इसके लिए सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, वंस अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड आपको यहां पे वेट करना है। ओके यहां नीचे से डोंट कॉपी करिए और अब दोस्तों यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप पिक्चर देखिए, पिक्चर देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पे दोस्तों पहले जब इस पेज पे हम आते थे तो डिवाइस का एफआरपी बाईपास करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होता था, पिक्चर आप देख सकते हैं, वेरीफाई पासवर्ड और ये गूगल अकाउंट, ये दो ऑप्शन होता था, ठीक है। पहले दोस्तों डिवाइस का एफआरपी बाईपास करने के लिए ना तो डिवाइस का पासवर्ड हमें मालूम था और ना ही गूगल अकाउंट मालूम था, लेकिन अब कंडीशन चेंज है। आप देख सकते हैं वेरीफाई पासवर्ड की जगह पे यहां पे वेरीफाई पैटर्न का ऑप्शन आ चुका है। ओके और ये पैटर्न हमें पता है, गूगल अकाउंट नहीं पता है लेकिन पैटर्न हमको पता है। तो आपको करना क्या है, सेम पैटर्न यहां पे ड्रा कर देना है। तो चलिए मैं सेम पैटर्न यहां पे ड्रा करता हूं और अब देखिएगा, पहले आता था वेरीफाई योर अकाउंट, लेकिन अब देखेंगे दोस्तों गूगल साइन इन का ऑप्शन यहां नीचे की तरफ स्किप आएगा। यहां पे देखिए वेरीफाई योर अकाउंट का ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। तो आपको करना क्या, अब सिंपल स्किप पे क्लिक करना है दो बार। जैसे ही स्किप पे दो बार क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जो लॉकर है ये लॉकर रिमूव हो जाएगा। तो चलिए मैं क्या करता हूं, स्किप पे एक बार क्लिक करता हूं, ये स्किप फिर से आ गया, एक बार और क्लिक करूंगा और ये देखिए लॉकर यहां से रिमूव हो गया, गूगल सर्विसेज का ऑप्शन आ गया। तो जब गूगल सर्विसेज का ऑप्शन आ गया इसका मतलब आपके डिवाइस का एफआरपी बाईपास हो गया। फिर भी मैं कंप्लीट सेटअप करके दिखा देता हूं। तो मैं सिंपल मोर पे क्लिक करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, ओके करूंगा, कुछ सेकंड यहां पे आपको वेट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करिए। ये देखिए कंग्रेचुलेशन योर फोन इज रेडी, आप सिंपल यूज नाउ पे क्लिक कर दें और ये देखिए दोस्तों फाइनली हमारी डिवाइस Vivo i35 इसका एफआरपी पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो गया, डिवाइस हमारी पूरी तरह से अनलॉक हो गई। आप देख सकते हैं दोस्तों डिवाइस का एफआरपी पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो चुका है, डिवाइस हमारी पूरी तरह से अनलॉक हो चुकी है। तो दोस्तों ये पूरा फुल प्रोसेस है Vivo i35 का एफआरपी बाईपास करने का, यानी कि डिवाइस का गूगल अकाउंट लॉक रिमूव करने का। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये ट्रिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही शानदार इंटरेस्टिंग वीडियोस की कंटिन्यू नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।